जयंती का मामला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी एक सम्मानित नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और जदयू का अंदरूनी मामला है। और जहां तक मेरी व्यक्तिगत मामला है, मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से ही आग्रह करूंगा कि आप इतने सम्मानित हैं और पिछड़ों के नेता हैं, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो आप जो भी जनता आपका परिवार है, जो जनता दल यूनाइटेड परिवार है, उनके जो लीडर हैं, उनके साथ मिल के बैठ के बातें करनी चाहिए। इससे समाज में अलग तरह का मैसेज जाता है, जिससे समाज टूटने का काम होता है। हम लोग समाज जोड़ने के लिए आए हैं, और जब तक ये समाज नहीं जुड़ेगा तब लड़ाई कैसे लड़िएगा। आप जिनके नारा देते हैं कि सब शोषितों एक हो, सब दलितों एक हो, सब पिछड़ों एक हो, और आप खुद जब बिखर जाइएगा तो हम समझते हैं कि जो नारा है, जो लड़ाई है, कहीं अधूरी रह जाएगी। इसलिए उनको शांति से एक प्लेटफॉर्म में सबसे मिलके बात कर करके अपनी बातों को रखनी चाहिए। और अगर वो पार्टी की भलाई के लिए कह रहे हैं, पार्टी की मजबूती के लिए कह रहे हैं, तो कोई व्यक्ति थोड़ी है कि उनकी बात को नहीं मानेगा। इस तरह से मीडियाबाजी करके, ट्वीट करके और भरम फैला के राजनीतिक नहीं होता है। राजनीति सब स्थिरता का नाम है, राजनीति धैर्य का। लेकिन आप बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं हम दीवार से बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। देखिए, हिस्सेदारी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती, राजनीति में भागीदारी होती है। और आप कितना, आपकी भागीदारी है, आप कितना सक्षम है, उससे आपसे सबको मौका मिलता है। और एक गरीब कार्यकर्ता भी होता है, काम करता है, उसको ही मौका पार्टी देती है। तो हम नहीं समझते कोई हिस्सेदारी, कोई जमीन का बंटवारा थोड़ी हो रहा है। यहाँ तो विचारों की बात है, और विचार जनता आपको कितना मानती है, कितना जनता हिस्सेदारी देती है, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है। और जनता के बीच में आप कितने पॉपुलर हैं, आपने जनता के बीच में कितना पैठ बनाया, आप जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो आप मांगने की क्या जरूरत है, जनता तो आपको आशीर्वाद दे देगी। आप अकेले आ जाइए, लड़ जाइए, सरकार बना लीजिए, कौन रोका। इसलिए किसी से मांगने से जनता थोड़े दे रही है। जनता के बीच में ना हमको हिस्सेदारी लेना है, जनता के दिलों में राज करना है, लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। झूठ मूठ का बीजेपी से करीबी की बात आई, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी की नजदीकी बढ़ रही है क्या बीजेपी, इसलिए नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और जो मुझे जानकारी नहीं थी, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ, संसदीय दल के नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और आज भी जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित नेता हैं, और ऐसे भी एक पिछड़ों के नेता के छाप उन पर रहा है, और एक अच्छे व्यक्तित्व के हैं। तो हम समझते हैं कि बीजेपी से क्या उनकी बात है, ये तो अंदर खाने की बात है, आपको ज्यादा होगा। एक अंतिम सवाल, आप मेल उमेश कुशवाहा हमलावर है, कह रहे हैं इस्तीफा दे देनी चाहिए उनको, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, और साथ ही साथ पार्टी में वैसे लोगों का नोटिस नहीं लेना चाहिए, तो उमेश कुशवाहा किसके इशारे पे बोल रहे हैं? देखिए, उमेश कुशवाहा जी क्यों बोल रहे हैं इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, और मैंने उनसे पूछा हूँ। मैं इतना ही कहेंगे कि हम लोग अभी एक अंग है मांग, और उस अंग के नाते हम इतना ही कहेंगे कि सबको ये जो इस तरह की बातें हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आ करके आराम से बात होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं और इस महागठबंधन के अभी नेता हैं, वो इतने परिपक्व हैं और सभी बातों को समझते हैं, और उनसे बात होने पर सारी बात का समाधान है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी परेशानी होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट तौर पर है, जो जमात शोषित है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, उन जमात को आगे आकर के एक होना होगा, तभी आपकी सत्ता आएगी, तभी आपका भला होगा। और उसकी अगुवाई उन्होंने किया है, मैसेज दिया है, और बिहार में उनके चिन्हों पर चलने वाले बहुत सारे नेता ने उनको मौका मिला है। बिहार जैसे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और सब बहुत सारे नेता हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करते हैं, आदित्य राम माझी जी की बात करते हैं, सब कहीं ना कहीं उनके अनुयायी रहे हैं, उनकी बातों को माने हैं, और आज कहीं राजनीति में सफल है। आज की युवा पीढ़ी को भी इस बात को सोच करके कि जात पात की राजनीति नहीं करके जमात की, और गरीब जो है, गरीब जमात कोई भी समाज का हो सकता है, उनको एक करके, एकजुट करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी सत्ता होगी, हमारी मजबूती होगी। जब हमारी मजबूती होगी, राजनीतिक पकड़ होगी, तो जो सामाजिक, जो शोषित कहा जाता है, जो दलित कहा जाता है, जो पिछड़ा कहा जाता है, ये दुनिया मिट जाएगी, और एक स्वस्थ लोकतंत्र का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।